Freakers on the beat. Look at my eyes, I wanna be your slave girl. You just need me, they ain't no gotta play. Hello and welcome to Productive Saturday. And मैं हूँ कौशिक गोराई और आप देख रहे हैं वेल किंग्स फिल्म्स नाम था पहले. खैर शुरू करते हैं. सो आज का वीडियो का टॉपिक है वॉप स्टेबलाइजेशन. सो वॉट इज़ वॉप स्टेबलाइजेशन? बेसिकली होता यह कि जो भी आप वीडियो शूट करते हो बेयर हैंडेड, या यूं कहूँ अगर आपके पास गिम्बल नहीं है या स्टेबलाइजर नहीं है और आप अगर नॉर्मली हैंड हेल्ड कैमरे को पकड़ के अगर आप शूट कर रहे हो वीडियो, तो काफ़ी चांसेस है कि आपका वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज या बहुत ज़्यादा शेकी होगा. सो आज की वीडियो में मैं बस आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो को स्टेबल कैसे कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद इट. एंड सबसे पहले तो यार प्रीमियर प्रो ओपन कर लेंगे. सो इस चीज़ को करने के मतलब आप हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीका है. जैसे अगर आप फिल्मोरा यूज़ कर रहे हो तो उसमें यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड स्टेबलाइज द वीडियो, वहाँ पे स्टेबलाइज का ऑप्शन आ जाता है. बट इफ़ यू आर डूइंग इट इन प्रीमियर प्रो, खैर थिंग्स गेट अ लिटिल बिट ट्रिक. सो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट खोलेंगे एंड आई विल जस्ट गिव इट इन अ लोकेशन डेमो. ओके ठीक है, तो मैं अपने टाइटल डेमो रख रहा हूँ प्रोजेक्ट का. एंड बाकी किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करना है, लेट देम बी एज दे आर और लेट्स स्टार्ट. ओके सो सबसे पहले यू हैव टू मेक अ सीक्वेंस एंड यू डोंट हैव टू डू. खैर वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा एज पर योर वीडियो, बट इफ़ यू वॉन्ट आई वुड रिकमेंड कि पहले एक सीक्वेंस बना ले. द बेस्ट सीक्वेंस यू कैन गो विथ इज़, अगर आपको नहीं पता कि आप किस फॉर्मेट में शूट कर रहे हो या कौन सा फॉर्मेट आपके लिए सही रहेगा, सो RI 1080p 24fps वुड बी जस्ट परफेक्ट. सो सीक्वेंस 1 24fps को सिलेक्ट कर ले फुल HD एंड क्लिक ओके. सी अब आपका एक सीक्वेंस आ चुका है. सो लेट्स ड्रैग द वीडियो. सो मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर रखा है, जिसमें से मैं कुछ वीडियोज़ को स्टेबलाइज करूँगा. जैसे कि इस वीडियो को आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा शेक है वीडियो में. सो आई जस्ट ट्राई एंड स्टेबलाइज द वीडियो सो दैट ये देखने में सुंदर लगे और इट वुड बी मोर अपीलिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड जस्ट ट्रैक दिस वीडियो टू दिस प्रोजेक्ट एंड यहाँ से यू कैन ड्रैग इट हियर एंड लाइक यू कैन ड्रैग इट हियर. वेल वेट लेट मी शो यू अगेन. यहाँ से यू कैन ड्रैग इट ओवर हियर. दिस इज़ द इफेक्ट कंट्रोल पैनल, दिस इज़ योर कंट्रोल पैनल. यहाँ पे आप कुछ भी क्लिप कर सकते हो, कुछ भी लाइक आप फॉर एन एग्जाम्पल आप कर सकते हो. दिस पोर्शन राइट हेयर इज़ द वीडियो एंड दिस इज़ फॉर द ऑडियो. इफ़ यू वॉन्ट ओनली द वीडियो यू कैन जस्ट ड्रैक दिस वन, सी बस वीडियो आएगा. एंड इफ यू जस्ट वॉन्ट द ऑडियो देन ड्रैक दिस, सिर्फ ऑडियो आएगा. बट अगर आपको दोनों चाहिए देन सिंपली जस्ट ड्रैग दिस फ्रॉम हियर, ड्रैग द वीडियो एंड सी दोनों आ चुके हैं. सो वी नीड द एंटायर क्लिप एनी वीडियो फ्रॉम हियर. सो क्लिप्ड आई मीन सॉरी ड्रैग्ड की आई विल गो टू इफेक्ट्स एंड आई विल जस्ट टाइप WARP. And here you can see warp stabilizer. And I'll just drag it on my video. And जैसा कि आप देख सकते हो it's analyzing the background and then it will apply the stabilization. So let it do its job.
you can see the going on you can see this happening here in effects control. Just click on the effects control और यहाँ पे आप देख सकते हो कि this is rendering the frames. See, it's rendering the frames and by default the smoothness is set to 50%. आप स्मूदनेस को जितना कम या ज़्यादा करोगे इट वुड अफेक्ट द क्रॉप साइज ऑफ द वीडियो. सो व्हाट दिस सॉफ्टवेयर डज इज ये वीडियो को क्रॉप कर देता है सो दैट द वीडियो बिकम स्टेबलाइजेस. सो यू कैन सी कि आपके लिए कितना क्रॉप वर्क करता है एंड लाइक 10% 20% 50% दैट्स अप टू यू कि आप कितने क्रॉप में यू आर सेटिस्फाइड. एंड एज यू आर सेटिस्फाइड यू कैन जस्ट क्लिक, आई मीन कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है एंड यू आर गुड टू गो. सो लेट मी सी कि कितने स्टेबलाइजेशन में आई एम फाइन एंड इट्स स्टेबलाइजिंग द वीडियो अगेन फॉर मी एंड या इट्स डन. सो यू कैन सी बिफोर स्टेबलाइजेशन after stabilization. So let me just render the video. Yeah, you can obviously retouch your video anytime you want. Okay, yeah, that's enough. And so yeah, let's go back to the editing panel and just hit Control and M and that would take you directly to the export panel. Sorry, just click Control and M, that would take you to the export panel. And yeah, now you can export your video. So output name को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे. Well, you can obviously change the destination where you can save the video and yeah, demo. So saved and you can just as per your satisfactory you can just preset आप apply कर सकते हो, but I'll just keep it the default way it is. And I'm just exporting the video and here you go. So I have planned to make such small video clips for you all so that जो भी आप लोगों की problem है या जो भी आप मुझसे help चाहते हैं you can just hit on the comment section and I'll make a video on it. And I'll drop it on Productive Saturdays. Like I have started a new series of videos. Sorry. So I have started a new series where I'll drop a few videos, a lot of videos actually, so that you guys are helped. I hope. Nahin. So I'll drop a series of videos where I'll talk about a few things and I'll show you a few tips and tricks about a few things like Premiere Pro, Photoshop or Filmora and some camera tricks or kuch bhi jo bhi aapko chahiye hoga you can just hit the comment section and you can just ask me and then I'll try and make a video on each of them and I'll post it on Saturdays by sharp 9 a.m. and you guys can just have a look at it. एंड यार प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें. लाइक डिसलाइक जो भी आपका मन करे करे, बस ज़रूर लाइक या डिसलाइक करें. अगर पसंद आया तो यार लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, बट डू मेक श्योर टू हिट द लाइक और अनलाइक बटन जो भी आपका मन करे. एंड यार डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ ला सकूँ. लाइक सब्सक्राइबिंग एंड गिविंग अ लाइक और कमेंटिंग ऑन द वीडियोज़ लाइक एक क्रिएटर के लिए ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है. मोटिवेशन ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है एक क्रिएटर के लिए दैट ही कैन मेक मोर सच वीडियोज़
and I hope I'll get a lot of support from you guys. So I've just started this series and I know मैं बहुत सारी गलतियाँ कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ. सो धीरे धीरे ऑन प्रोग्रेस आई इम्प्रूव एंड आई होप आप लोगों को वह दिखे. एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ. एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ सो दैट आपको बहुत सारी वीडियोस मिल सके मेरी एंड से. एंड सो दी एक्सपोर्ट हैज़ बिन डन. कंट्रोल एस. आई एम क्विकली सेविंग दिस प्रोजेक्ट एंड देन लेट मी शो यू दी बिफोर. ओके सो ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी. सो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है वीडियो. क्रॉप करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि दी डिटेल्स ऑन दी ट्रीज दे आर ब्लरी. सो यू हैव टू सी कि कितना यू हैव टू सी कि कितना क्रॉप करने से इट वुड वर्क फॉर यू, बिकॉज एज यू कैन सी दी डिटेल्स हैव बिकम ब्लर. सो विद दैट सेड आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वॉब स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं. एंड विद दैट सेड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने इतना दूर देख लिया है तो यार प्लीज़ डू सपोर्ट, हिट दी लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब. और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे होम स्टे सेफ. अब क्वारंटीन में इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते यार देखो. एंड कीप लविंग. थैंक यू. Star baby, you know that you got that shine, you know you was